हाय दोस्तों, माइंड ऑफ बुक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटी जिसे हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप अपने काम को ऐसे करें कि आपका कोई कंपटीशन ही ना रह जाए। मतलब आप राजा हो राजा, तो वो डोमिनेंस अपने काम में कैसे लाया जाए, कैसे वो कंपटीशन उस भीड़ और ऐसे मार्केट जहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, जहाँ आपकी कोई पहचान नहीं है, उसको ख़त्म किया जाए। कैसे आप एक नया इनोवेशन करके एक नया मार्केट बनाएं, वो कौन से टूल्स होते हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या वो टेक्नोलॉजी का टूल है, क्या वो ह्यूमन टच है, वो मार्केट बनाने की टेक्नोलॉजी कौन सी डिसरप्टिव नॉन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, कौन से टूल्स होते हैं, आपकी स्ट्रेटजी के कैनवस टूल क्या हैं, कैसे आप ये फ्रेमवर्क बनाते हो कि आप भीड़ से बिल्कुल अलग नज़र आओ, ब्लू ओशियन में अकेले राज करते हुए दिखो, बाकी सब लोग कंपटीशन कर रहे हैं, आप राज कर रहे हो। तो उस चीज़ के बारे में वुचेन किम एंड रेनी मैकप्रॉन की किताब ब्लू ओशियन शिफ्ट के अंदर हम कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जब इस बात को सोचोगे तो आपके सामने रास्ता आएगा कि या तो आप ऐसा रास्ता चुनो जहाँ पे आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, आप लोगों को क्वालिटी दे रहे हो, उनको क्वालिटी सर्विस दे रहे हो, तो आप भीड़ से एकदम से अलग दिखोगे। आप अपने आसपास ऐसी बहुत सारी दुकानें देखोगे, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स की हों, चाहे वो खाने पीने की हों, चाहे वो सामान खरीदने के लिए जो घर के घरेलू सामान होते हैं, तो आप एक ख़ास दुकान पे जाते हो क्योंकि आपको पता है कि वहाँ आपको सबसे क्वालिटी का सामान मिलेगा और उन लोगों की सर्विस बहुत अच्छी है। तो इस बिज़नेस मॉडल को वैल्यू ड्रिवन पाथ बोलते हैं कि आपने बाकी मार्केट को ख़त्म कर दिया वो वैल्यू क्वालिटी और सर्विस को देकर। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो आप ब्लू ओशियन में राज करते हो वो होती है लो कॉस्ट कॉस्ट स्ट्रेटजी। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपके सारे कंपटीशन से सबसे सस्ता माल आप दे रहे हो, कोई उतना सस्ता माल दे ही ना पाए। आप देखते होंगे कि इतने सारे के सारे जो नए शॉपिंग के सेंटर्स बन गए हैं, वहाँ पर यही होता है कि डायरेक्ट आप रिटेलर को सामान देते हो जिसकी वजह से आपका सामान सस्ता हो जाता है। तभी मॉल्स में, चाहे ये बिग बाज़ार हो, रिलायंस होम हो, इन सब जगह पे जाके सस्ता सामान मिलने लगा है क्योंकि बीच के सारे लोग ख़त्म हो गए हैं। तो आप इसे एक छोटे लेवल पे भी कर सकते हो, तो ये भी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के पास के उसमें आता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ब्लू ओशन शिफ्ट लेकर आओ अपने काम के अंदर, कि एक ऐसे मार्केट को ढूंढ के चले आओ, एक ऐसे मार्केट को बना दो जो कि अभी किसी ने देखा ही नहीं है। इसका एक उदाहरण लें कि जब नॉन स्टिक वेयर्स थे, उससे पहले कोई नॉन स्टिक का सामान नहीं था मार्केट के अंदर, उसमें खूब तेल लगता था फ्राइंग पैन के अंदर, बट नॉन स्टिक पैन आने के बाद आपने उस मार्केट को ख़त्म कर दिया। आपने एक नया मार्केट बनाया कि आपको कम तेल बना के अगर खाना बनाना है तो आप नॉन स्टिक वेयर्स का, कुक वेयर्स का यूज़ करो। इसी प्रकार से जो एयर फ्रायर्स आए, उन्होंने उसके ऊपर भी एक लीप ली, एक छलांग ली और एक नया मार्केट क्रिएट किया। तो इसको हम बोलते हैं ब्लू ओशन शिफ्ट, कि आपने एक ऐसा मार्केट ढूंढ लिया जो बाकी लोग देख ही नहीं पाए हैं। क्या कंपोनेंट होते हैं? तीन ऐसे कंपोनेंट जो इस चीज़ पे काम करते हैं। पहला तो ये पर्सपेक्टिव, कि आपने इस नए मार्केट को जो क्रिएट किया है उसकी आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो ब्लू ओशन पर्सपेक्टिव बना रही है, कि आपने अपना काम ऐसा कर दिया बाकी आपकी जो कंपटीशन है वो सोच भी नहीं पाया आपने, वो ऐसा काम कर दिया। दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ह्यूमननेस, कि आपने लोगों को ऐसा ह्यूमन टच दिया कि जो आपके फील्ड के बाकी लोग दे ही नहीं पाते हैं। तो उसको लोगों को एक नया एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जो आपके अच्छे व्यवहार की वजह से, आपकी अच्छी डीलिंग की वजह से आया। तीसरा है मार्केट क्रिएटिंग टूल्स, कि आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो इतना अट्रैक्टिव है कि आपने अपने लिए एक बिल्कुल ही अलग मार्केट बना दिया, लोगों के लिए एक बात करने का एक ऐसा इशू बना दिया कि वो चीज़ उस जगह जाओ आप, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया ये चीज़ मिलेगी आपको। उसके अलावा जो मार्केट क्रिएशन जो थ्योरी होती है, पहली बात तो वो यही कहती है कि आप कोई नई चीज़ बना रहे हो, बेटर चीज़ बना रहे हो और आपका आइडिया फंडामेंटली नया है, तो ये एक नया मार्केट क्रिएट कर सकता है।
जैसे तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है डिसरप्टिव इनोवेशन, कि आपने बिल्कुल एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसने पुरानी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जैसे कि नोकिया के फ़ोन, और नोकिया के फ़ोन के बाद एंड्रॉयड आए, तो एंड्रॉयड जैसे ही आए उन्होंने पूरे नोकिया फ़ोन को ख़त्म कर दिया एकदम से। तो या तो नोकिया वाले उस समय एंड्रॉयड बनाते तो वो बचे रह जाते, नहीं तो नोकिया का एक छत्र राज एकदम से ख़त्म हो गया। इसी प्रकार से दूसरा होता है नॉन डिसरप्टिव क्रिएशन, कि आपने एक मार्केट ही नया बना दिया जिससे कि बाकी सारे के सारे जो और ऑप्शंस थे वो ख़त्म हो गए। कि आपने फार्मा इंडस्ट्री में हो, आप कोई एक ऐसी दवाई लेके आए कि जो कि बाकी सबके पास है ही नहीं, और लोगों के बहुत बड़े पेन को वो दवाई ठीक करती है, उनकी प्रॉब्लम को ठीक करती है, तो उसने एकदम से एक नया मार्केट बना दिया। और तीसरी चीज़ होती है मिडिल वे। मिडिल वे का मतलब कि आप डिसरप्टिव और नॉन डिसरप्टिव के बीच में जाओ, कि आपकी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली न्यू हो और आप एक ऐसी चीज़ नया मार्केट बना दें। मतलब पहले में था कि आपने नई टेक्नोलॉजी से पुराने काम को सॉल्व किया जो आप पहले कर रहे थे। दूसरे के अंदर नॉन डिसरप्टिव के अंदर आप बिल्कुल एक नई चीज़ लेके आए और बिल्कुल एक नया मार्केट बना दिया जो पहले था ही नहीं। तो उसके बीच में जाके भी आप काम कर सकते हो कि जहाँ पे आप नई टेक्नोलॉजी भी लेके आओ और नया मार्केट भी बना दो। ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एकदम से चेंज कर देते हैं। आपको देखना है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं और उनको अपने इस नए ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट से सॉल्व करना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्रिएटिव माइंडसेट का होना है। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि 1980 के पास लंदन में बहुत सारी 600 के करीब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, बट एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई कॉमिक रिलीफ। वो लोग क्या करते थे, एक रेड रोज़ डे सेलिब्रेट करते थे, जहाँ पर सारे लोग जो जोकर वाली नोज़ होती है रेड कलर की वो लगाकर एक पब्लिक परफॉर्मेंस देते थे, लोगों से चंदा मांगते थे। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने चंदा मांगने के तरीके को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कर दिया, उन 600 ऑर्गेनाइजेशन से वो एकदम से अलग हो गए। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजीज कंपटीशन नहीं करती हैं, वो उसे ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि वो काम सिर्फ वो ही कर रही होती हैं। एक नया जैसे इस रेड रोज़ डे और कॉमिक रिलीफ ने किया कि उन्होंने एक नई डिमांड बना दी। पहले क्या होता था, जब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती थी तो अमीर लोग चैरिटी देते थे, डोनेशन देते थे। तो इस कंपनी ने, कॉमिक रिलीफ ने जो एनजीओ थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब सड़क पे चलते हुए परफॉर्म किया तो मिडिल क्लास और लो क्लास को एक तरीके से टारगेट कर लिया, रिच तो थे ही थे, तो उससे एक नया सोर्स ऑफ इनकम इनकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलने लगा, जिससे इन्होंने बहुत अच्छा और इनोवेटिव वे बनाया जिससे इनको डोनेशन मिलने लगा और एक नया रास्ता खोल दिया। ह्यूमन एलिमेंट की बात करें तो ह्यूमन एलिमेंट अगर आप अपनी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में यूज़ कर रहे हैं तो आपको लोगों के डर को देखना है, कहाँ लोग डर रहे हैं, और आपको उस डर को सॉल्व करना है। कहाँ लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहाँ आपको उन्हें सिक्योर फील कराना है। उनकी जो डिज़ायर है एक डिग्निटी की लाइफ में, उनका जो पर्पस है, उसको हेल्प करने में आपको मदद करनी है। इसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पहली चीज़ होती है एटोमाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी चीज़ है जो वो लोग पाना चाहते हैं, तो उस बड़े टास्क को अपने छोटे छोटे एटम्स में बांट कर उस काम को करा कर उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। दूसरी चीज़ होती है फर्स्ट हैंड डिस्कवरी, कि आपने इनोवेशन क्रिएटिविटी हर स्टेप पे किया है, हर स्टेप पे जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको नया क्रिएशन, नया इनोवेशन मिल रहा है जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। फेयर प्रोसेस की बात करें तो पहली बात तो इसमें एक एंगेजमेंट होना चाहिए, कि जितनी भी टीम्स हों जो इस काम में लगी हुई हों, वो सब मिलके क्लाइंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर सब लोगों को आप बिठाओ साथ में और डिसाइड करो कि हमें लोगों को देना क्या है, पब्लिक क्या चाहती है। क्योंकि आप जब उस पैसे को कमा रहे हो तो आप उसमें डिस्ट्रीब्यूटर से लेके प्रोडक्शन जो टीम है वो, और क्लाइंट्स को क्या चाहिए, जब सबको आपस में पता हो कि हमें क्या चाहिए, उनके वाई क्लियर हों, तो आप एक नया ब्लू ओशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, कि जब आप सब लोग बैठ के आप बात कर रहे हैं तो सबके अलग अलग व्यू निकल के आएंगे, पर वो ऐसा कौन सा व्यू है जो सबसे ज़्यादा क्लियरिटी दे,
कि हम ये क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। लास्ट में पॉइंट आता है क्लियर एक्सपेक्टेशन, कि लोग क्या चाहते हैं और कितना चाहते हैं और कितना हम उनको देंगे, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट और ह्यूमननेस होती है उससे जर्नी शुरू तो होती है, पर उसके लिए और भी हमें कुछ टूल्स जो होते हैं ब्लू ओशन टूल्स, वो भी सीखने होते हैं। जैसे कि एक कंसेप्ट है पायनियर, माइग्रेटर और सेटलर के बीच में हमें एक मैप बनाना होता है। इस मैप को हम बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर और सर्विस को लेकर, और हमें जाना कहाँ है। तो इन तीनों को समझते हैं, कौन पायनियर्स होते हैं, कौन माइग्रेटर्स हैं, कौन सेटलर्स हैं। तो पायनियर्स वो लोग हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें साफ साफ आपको इनोवेशन मिलती है। लोग दौड़ के ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदते नहीं बल्कि उन प्रोडक्ट्स को प्यार करते हैं। और ये जो पायनियर प्रोडक्ट या लोग होते हैं वो कंपनी के एसेट हैं, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब एप्पल अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो लोगों में एक दीवानापन दिखता है, वो उस पायनियर थिंकिंग की वजह से है। सेटलर्स वो लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ कॉपी प्रोडक्ट बनाना है, जो कि कंपटीशन के, जैसे कंपटीशन का प्रोडक्ट, जैसे कि एप्पल का फ़ोन हुआ तो एप्पल से मिलते जुलते चाइनीज़ फ़ोन जो होते हैं, तो वो सेटलर्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी वो है। और माइग्रेटर्स जो इन दोनों क्लास के बीच में आते हैं, ना वो पायनियर हैं ना वो सेटलर्स हैं। तो अगर आप इनको देखोगे कि आप सेटलर हो, कि आप कॉपी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपका बिज़नेस खतरे में है जिस दिन किसी और ने आपसे अच्छी कॉपी बना दी, या आप जिस दिन उस नए प्रोडक्ट की कॉपी नहीं बना पाए, आपका बिज़नेस ख़त्म। अगर आप माइग्रेटर हो, कि इन दोनों के बीच में हो, तो आपको करना यह है कि आपको पायनियर की तरफ मूव करना है, नई क्रिएशन, नई ऑटोमेशन लेके आनी है। तो जब ये सब काम करने वाले होते हो तो स्ट्रेटजी कैनवस पे आप बनाते हो कि पहले तो सिचुएशन का ओवरव्यू क्या है, कि आपके करंट बिजनेस की सिचुएशन क्या है। तो आप दो एक्सेस बनाओगे ग्राफ के लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगी जहाँ पे आप कंपटीशन को रखोगे कि कितना कंपटीशन है, और वर्टिकल एक्सेस में कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। तो जितनी हायर आपकी ऑफरिंग होगी उतना ही कम आपका कंपटीशन होगा, तो उस हिसाब से आप इस ग्राफ को काउंट करते हो। तो पहले आप कंपटीटिव फैक्टर को काउंट करते हो, देखते हो कि आपने अपने और मेन कंपटीटर के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, या आप अपनी इंडस्ट्री के लीडर, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसको देखो, और आप देखो कि उनके पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप टॉप हो तो आपको किसी से कोई ख़तरा नहीं है। फिर 1 से 5 तक के पैमाने पर देखो, लो से हाई से देखो कि आप कहाँ थे और वो लोग कहाँ हैं। तो अगर आप दोनों के कर्व मिलते हैं तो आप रेड ओशियन में हो, कि आप दोनों में सही सेम खूबियाँ हैं, सेम कमियाँ हैं, तो आप रेड ओशियन में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हो। पर अगर आपका कर्व ऊपर है तो आप लीडर हो, और अगर आपका कर्व नीचे है तो आप उनको कॉपी करने वाले इन्फीरियर व्यक्ति हो, इन्फीरियर कंपनी हो। तो इस कैनवस को जब आप बनाओगे तो आपको अपनी खूबियाँ, कि आपके पास क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या आप ऑफरिंग दे रहे हो लोगों को, और आपकी क्या कंपटीशन है जो बाकी लोगों से है, कितना उनसे आप मैच करते हो, उसके बारे में इस कैनवस से पता लगता है। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको ब्लू ओशन स्ट्रेटजी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा अच्छा ऑफर कर पाओ मिनिमम कंपटीशन के साथ। तीसरा टूल होता है मार्केट जनरेटिंग टूल। तो आपको उन छुपे हुए पेन एरिया को पहचानना है जो आपके फील्ड में है। क्यों सब लोग आपके फील्ड में कंपटीशन कर रहे हैं और परेशान हैं, दुखी हैं? क्योंकि उसी की वजह से आपका काम नहीं बढ़ पा रहा है, या कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ये समझना है कि जब बायर्स की बात करें जो आपका सामान खरीद रहे हैं, तो उनके बारे में देखना है कि वो जो परचेज कर रहे हैं उनको परचेजिंग में तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है, सामान खरीदने में जब उनके पास तक सामान पहुंचता है, अगर वो ऑनलाइन पहुंच रहा है या ऑफलाइन, तो वो डिलीवरी ठीक है। जब वो सामान को यूज़ कर रहे हैं तो उनको आसानी आती है या मुश्किल आती है? उसके साथ साथ जो सप्लीमेंट प्रोडक्ट चाहिए होते हैं वो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो या उन्हें ईजीली मिल जाते हैं? उनका सामान खरीदने के बाद, यूज़ करने के बाद मेंटेनेंस कैसी है, कितनी बार उसकी सर्विस करानी पड़ती है, वो देखते हैं। उसके अलावा जब वो उस सामान को ख़राब मानते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। इसी प्रकार से जब आप देखोगे कि जो कस्टमर है उसको आपके सामान में कितनी प्रोडक्टिविटी,
कितनी सिंपलिसिटी, काम करने में कितनी आसानी है, कितने उसके रिस्क कम है आपका सामान यूज़ करने में, कितना उसको यूज़ करते हुए उस प्रोडक्ट को कितना फ़न फीलिंग आती है और वो उस प्रोडक्ट कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस एक्सपीरियंस साइकिल पे, कस्टमर के एक्सपीरियंस साइकिल पर डिपेंड करती है कि जब आप प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसको ख़रीदने में। जब आप सामान को सर्च कर रहे हो, सामान आपने सर्च करके ख़रीद लिया तो डिलीवरी कैसी है, कहाँ किस मौके पर आप उसे यूज़ करते हो, उसके साथ साथ कोई और सामान की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, उसका रखरखाव कैसा है, यूज़ करने के बाद आप डिस्पोज और डंप कैसे करते हो, और जो काम आपकी प्रोडक्टिविटी वाले हैं उस सामान को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट से बटन्स हैं जो आपको बहुत ही से यूज़ करना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, तो यूज़ करने पर क्या क्या आपके रिस्क हैं कि कहीं इससे कोई डर तो नहीं है, सही रिस्क करने पे कहीं यूज़ करने पे चीज़ ख़राब तो नहीं हो जाती है, और किसी तरीके का डर तो नहीं रहता है यूज़ करते हुए, आपको यूज़ करते हुए मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपके इन्वायरमेंट पे तो कोई नुकसान नहीं है, वो तेज़ आवाज़ तो नहीं कर रहा है, स्मेल तो नहीं आ रही है उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। तो ये सारे पॉइंट्स आपके प्रोडक्ट और सर्विस पर कैसा असर डालते हैं। सो एक बार आपने लोगों का पेन एरिया समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि जब वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है तो इस एरिया में उसको बाकी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, आपको उन एरिया पर सुधार करना है, वो आपकी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है। फोर्थ टूल जो है इसके अंदर कि 6 हिस्से हैं फ्रेमवर्क के। पहला हिस्सा होता है कि अल्टरनेटिव क्या है आपके पास। लोगों को माना कि प्रॉब्लम है, कार ख़राब होती है उसके बाद उन्हें मैकेनिक ढूंढने में दिक्कत आती है, क्या हो कि वो खुद से ठीक कर पाए, क्या ये एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्रिएट कर रही है, क्या आप प्रोवाइड कर पा रहे हो, ये आपको देखना है। दूसरी बात, क्यों बायर्स एक ही प्रोडक्ट ग्रुप को चुनते हैं और उसी सामान को, चाहे वो महंगा हो सस्ता हो, उसी को ढूंढते हैं, ऐसी क्या बात है। थर्ड, असेसमेंट की चेन ऑफ बायर्स कि कौन सी चीज़ को वो देख के उस सामान को ख़रीद रहे हैं, क्या वो कोई एडवर्टाइजमेंट देख के उस सामान को ख़रीदने जाते हैं, क्या किसी फेवरेट सेलिब्रिटी के ऐड को देख के ख़रीदने जाते हैं, उस चीज़ को समझना। चौथी चीज़ कि आपके प्रोडक्ट को जब वो ख़रीद लेते हैं तो उसको कब कब यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वाव है या नहीं है। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट कि आपकी इंडस्ट्री में काम और इमोशन का बैलेंस कैसा है। जैसे कि जब आप देखेंगे कोई लॉयर होगा, वकील होगा, तो वो क्लाइंट के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते, उनका काम सिर्फ केस जीतना होता है, क्योंकि अगर वो इमोशंस पे ध्यान देंगे तो उनका केस डिस्टर्ब हो सकता है, बट एक वो मार्केट छोड़ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा लॉयर हुआ जो इमोशनली अपने कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा तो आप अपने फील्ड के अंदर एक नए गेट्स खोल रहे हो जो कि बाकी सब लॉयर्स नहीं कर रहे हो, ये एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी हो रही है। छठा रास्ता, बाहर के वातावरण को आत्मसात करना। जैसे जब आप खेती करते हो तो आपकी खेती, आपकी फसल मौसम पर डिपेंड करती है, तो आपको ये देखना है कि कब कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी है। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं इनका फ्रेमवर्क है, वो आपकी मदद करता है कि आपको चेंज कैसे करना है, पर उन्हें कंसेप्ट को यूज़ करने से पहले आपको ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी, और ये 4 एक्शन का एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क 4 सवालों पर टंगा होता है, और वो कौन कौन से काम हैं जो उन 4 सवालों से जुड़े हैं। नंबर 1 कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सब हल्के में लेते हैं और उस चीज़ को आसानी से हटाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जब लग्जरी 5 स्टार होटल्स थे तो लोगों की प्रॉब्लम थी कि उन्हें एक अफोर्डेबल लग्जरी स्टे चाहिए था, लग्जरी भी हो और अफोर्डेबल भी हो। तो आपको अपने उन 5 स्टार सेटअप में से कौन से ऐसे अननेसेसरी खर्च हैं जिनको आप कम कर सकते हैं लोगों को हटा के, ताकि अफोर्डेबल कर सको अपने कस्टमर के लिए प्राइस। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो कि आपने सेल्फ चेक इन कर दिया तो आपको फ्रंट डेस्क पे लोग कम चाहिए होंगे। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से भी नीचे ले जाया जा सकता है और प्राइस घटाया जा सकता है। जैसे कि आप होटल के रूम के साइज़ को छोटा कर सकते हो, पर जब आपने होटल के रूम के साइज़ को छोटा किया है तो उसके बदले में आप क्या ऑफ़र कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से ऊपर हो जाए। तो आपने कमरा तो छोटा कर दिया पर बेड बहुत ही कम्फर्टेबल लगा दिया, या और बहुत सारी एडेड फैसिलिटी उसी प्राइस पे ऐड कर दी जिनके पैसे ज़्यादा नहीं है, बट उन रूम्स के अंदर वो चीज़ मिलना इम्पॉर्टेंट है।
ऐसी कौन सी एमिनिटी है जो पहले ऑफ़र ना की गई हो और अब ऑफर्ड हो, जैसे कि होटल की लंबी चौड़ी फ्रंट डेस्क और बहुत सारे जो पर्सन उस एरिया को हैंडल करते हैं, उसके अलावा सेल्फ चेक इन करना। तो अब आप अपने बिज़नेस की ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। फाइनल स्टेप कि कैसे इन कंसेप्ट को यूज़ में लाएं, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस को आपको चूज़ करना है अभी तक जो आपने सीखा है अपनी इंडस्ट्री में। तो जैसे ब्लू ओशन फेयर की बात करें तो आप ऐसे टॉप लोगों को चुनो, उन्हें तैयार करो, या अपनी कंपनी के टॉप लोगों को बुलाओ, अपने कस्टमर को भी बुलाओ जो आपका सामान यूज़ करते हैं, अपने पार्टनर्स को, अपने सप्लायर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सबको बुलाओ। सबसे पहले अपनी ब्लू ओशन की नीड और कंसेप्ट को समझाओ उनको कि क्यों आप कुछ नया करना चाहते हो। उनको स्ट्रेटजी बताओ, स्ट्रेटजी के कैनवस को दिखाओ, एक्शन फ्रेमवर्क बताओ कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये ज़रूरी है कि हर कोई आपके उस अलग अलग जो आपके ऑप्शंस या सॉल्यूशंस हैं उनके रीज़न को समझें। सारी प्रेजेंटेशन के बाद आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग रखो, फिर फाइनली आप वोटिंग कराओ, लोगों से फीडबैक लो कि क्यों लोग इस ऑप्शन को चुन रहे हैं। तो अब आपके पास एक ब्लू ओशन शिफ्ट और स्ट्रेटजी है, उसे यूज़ करने के कंसेप्ट हैं। मेहनत से कुछ ही समय बाद आप ब्लू ओशन में राज कर रहे होंगे। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आप बी बेटर टू बेस्ट, रीड विद मी, माइंड योर बुक।